ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर के बाजारों में लूटी रौनक। जैसे जैसे करवा चौथ नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शहर में रौनक बढ़ रही है और दुकानें दुल्हनों की तरह सज गई हैं और शहर में भीड़ पहले से ज्यादा बढ़ी है, जिसमें ज्यादातर सुहागिनों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुहागिनें जी भरकर शॉपिंग कर रही हैं। बिलासपुर के बाजारों में लूटी रौनक। जैसे जैसे करवा चौथ नजदीक आ रहा है, वैसे ही वैसे शहर में रौनक बढ़ रही है और दुकानें दुल्हनों की तरह सज गई हैं और शहर में भीड़ पहले से ज्यादा हो गई है, जिनमें ज्यादातर सुहागिनों ने भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुहागिने जी भरकर शॉपिंग कर रही है। आपको बता दें कि करवा चौथ का उपवास हर वर्ष सुहागिने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर रात को चांद को देखकर अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। महिलाएं इस दिन का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करती हैं और कई दिन पहले से ही व्रत की तैयारियां शुरू कर देती हैं। फिर चाहे वो पूजा की तैयारी हो या सजने संवरने की, इस बार भी 17 अक्टूबर को करवा चौथ होने जा रहा है, जहां बिलासपुर बाजार करवा चौथ के लिए सज गया है। वहीं सुहागिनों में भी करवा चौथ के व्रत के लिए खूब क्रेज है। मेहंदी समेत श्रृंगार के लिए महिला काफी उत्साहित हो रही है। महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु व सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करवा चौथ व्रत रख रही हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके ही पूजा में बैठती हैं। जिन महिलाओं का पहला करवा चौथ है, उन्हें शादी का जोड़ा पहनकर करवा चौथ पूजन करना शुभ माना जाता है। वहीं इस बार का करवा चौथ का व्रत बेहद खास है। ज्योतिषों के अनुसार करीब 7 दशक बाद करवा चौथ पर इस बार शुभ संयोग बन रहा है। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत अच्छा है और काफी शुभ माना जा रहा है। वहीं पंडितों व ज्योतिषों की माने तो उन्होंने बताया कि काफी वर्षों के बाद नवविवाहित जोड़े के लिए ये व्रत काफी शुभ माना जा रहा है। करवा चौथ का जो व्रत है, उस व्रत को जो है वो नव दंपत्य जीवन उसको करता है, अपने पति की दीर्घायु के लिए स्त्री इसको सज करके इस व्रत को करती है। इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण जी के शरण में द्रौपदी जी गए थे। जब भगवान की शरण में जाकर के अर्जुन ने नीलगिरी पर्वत के ऊपर जाकर के कठिन तपश्चर्या करनी शुरू कर दी थी, तो द्रौपदी जी के मन में आया कि इस तपश्चर्या में कई प्रकार के विघ्न डालने वाले राक्षस शक्तियां हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर के उनके विघ्नों को दूर करने के लिए, पति के जीवन को सुखी करने के लिए, लंबी आयु करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से जो है इसका उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तीज की तिथि जो चतुर्थी जो है, उस करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, उसको सब मिलकर के अपनी सखी सहेलियों के साथ करने से आपके पति के हर विघ्न दूर हो जाएंगे और तपश्चर्या में जो है वो पूर्ण विजय हो करके और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके दीर्घायु को प्राप्त करेंगे।